सू से ये बड़ी खबर है, बीजेपी का कल से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अभियान की शुरुआत। बीलवा गांव चंदन वन से अभियान का आगाज करेंगे। अभियान की शुरुआत कर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभा स्थल का जायजा लिया है, कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने की चर्चा। सभा में करीब 20,000 लोगों की भीड़ जुटने का लक्ष्य भी रखा गया है। चाकसू से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और ये बड़ी जानकारी क्योंकि अब बीजेपी अपना अभियान कल से शुरू करने वाली है, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान, जिसकी शुरुआत कल होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बीलवा गांव चंदन वन से अभियान का आगाज करेंगे। अभियान की शुरुआत कर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभा स्थल का जायजा लिया है, कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने की चर्चा की है, और ये माना जा रहा है कि 20,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य कल रखा गया है, और इसके साथ ही इस अभियान की शुरुआत भी हो जाएगी, आगाज भी इसका हो जाएगा। क्योंकि लगातार अब जो बीजेपी है वो अपनी रणनीति चुनाव को लेकर बना रही है, और इसमें महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा है, और इसी को लेकर अब अभियान शुरू किया जा रहा है। पहले सुनील बंसल यहाँ पहुंचते हैं, प्रहलाद जोशी ने ये बैठक ली, और अब जेपी नड्डा कल पहुंचेंगे, अभियान का आगाज वो कर देंगे। और मुकेश हमारे साथ इस खबर पर चाकसू से जुड़ गए हैं। मुकेश, कल जो अभियान की शुरुआत है वो हो जाएगी, बीलवा गांव से ये शुरुआत हो रही है, 20,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, क्या कुछ और जानकारी? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी कल से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत कर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा बीलवा गांव चंद्रवन में कल 16 जुलाई को होने वाली है, जिसकी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया गया है। बता दें कि पूर्व तैयारियों को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई बड़े नेता यहाँ सभा स्थल पर पहुंचे थे। सभी ने व्यवस्थाओं का अवलोकन कर कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की है। बता दें कि इस सभा में लगभग 20,000 तक की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राष्ट्रीय सह प्रभारी अलका गुर्जर, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, सांसद रामचरण बोरा आदि कई लोग मौजूद थे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए।